In Hapur, Uttar Pradesh, on the incident of toll booth vandalized by a JCB driver, SP Hapur Abhishek Verma says JCB driver has been arrested by Hapur police and his JCB has been seized. JCB driver was drunk and the case under appropriate sections of IPC has been registered against the driver. उगाड़ने की बोल रहा है, टोल ना देने के चक्कर में जैसे ही वाले ने बूथ का अत्याचार कर दिया है, दोनों बूम तोड़ दिया, दोनों बूथ को तोड़ दिया है, नुकसान कर दिया टोल ना देने के कारण। यह गाड़ी का जेसीबी का नंबर है UP14KT4255। आज सोशल मीडिया के माध्यम से हापुड़ पुलिस को एक वीडियो प्राप्त हुआ जिसमें देखा गया कि एक जेसीबी ड्राइवर अनियंत्रित होकर के पिलखुआ टोल पर तोड़फोड़ कर रहा है और टोल कर्मियों को चोट पहुंचाने का कार्य कर रहा है। इस वीडियो के तत्काल संज्ञान लेते ही हापुड़ पुलिस द्वारा इस जेसीबी ड्राइवर को अरेस्ट कर लिया गया है, इसकी जेसीबी को भी सीज कर दिया गया है। इस जेसीबी ड्राइवर के ऊपर थाना पिलखुआ में 307 के धारा में अभियोग पंजीकृत किया गया है। साथ ही साथ ये भी पाया गया है कि ये जेसीबी चालक जब भाग रहा था तो इसके द्वारा अन्य गाड़ियों को भी चोट पहुंचाने का प्रयास किया गया है। इस संबंध में भी जो गाड़ी चालक है उनके तरफ से तहरीर प्राप्त कर ली गई है और सुसंगत धाराओं में थाना गढ़ मुक्तेश्वर में भी इसके खिलाफ अभियोग पंजीकृत किया गया है। ये जेसीबी ड्राइवर जो था ये नशे में धुत था और इसके पास से जो ये जेसीबी बरामद हुई है इसको सीज कर लिया गया है, इसको अरेस्ट किया गया है और साथ ही साथ इसके खिलाफ गुंडा अधिनियम में भी कार्रवाई।